एवरीवन, अरमान गुप्ता बैक अगेन ऑन द चैनल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल रात को हम लोग गए थे कहीं पे दिमाग सड़ाने। एक्चुअली दिमाग सड़ाने नहीं गए थे, प्लान कुछ और था। एक्चुअली हम लोग गए साहू देखने। तो यार अभी जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में, आज फ्राइडे है इसलिए साहू रिलीज हुई थी, तो हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। बट आपको बताता हूँ मैं, इसमें दिखा देंगे हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, बता देंगे आपको एक बार कैसी लगी है, एंड देन वील गो बैक टू द वीडियो। एंड अभी हम निकिता है साथ में, आज तन्मय गाड़ी चला रहा है। ये सुनने में भी आया था दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज़ मेड इन इंडिया, मेरे ख्याल से 350 करोड़ या कुछ टीवी पे बता रहे थे। तो देखते हैं चल के क्या हॉलीवुड को टक्कर दिया या सरपास कर दिया हॉलीवुड को, या फिर कैसी है, हो सकता है टैंक भी कर जाए पिक्चर। बट प्रभास है इसमें, एवरीवन लव्स प्रभास, तो अब चल के देखते हैं पिक्चर। आपको ज़रूर बताएंगे मूवी देखने के बाद की कैसी लगी। तो भाई गए तो थे बहुत खुश होके, एक्साइटेड होके, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं था। इवन दो आई एम नॉट रियली एक्साइटेड फॉर लॉट ऑफ मूवीज़, बट इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। फ्राइडे का ही मैंने शो कराया, सैटरडे आफ्टरनून हो रही है, एंड भाई मैं सोचा था पूरा अच्छा था, वीडियो बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। एज सून एज द मूवी स्टार्टेड, 15 मिनट में ऐसा दिमाग खराब हुआ, व्लॉग सब गया तेल लेने। मैंने वीडियो उसके आगे कंटिन्यू भी नहीं किया जब हम लोग निकले वहाँ से, क्योंकि एकदम खच्चर मूवी था यार। इफ़ यू वॉन्ट टू बर्न योर मनी, जाओ देखो आराम से, इन्जॉय करो, दिमाग सड़ा के आओगे। 3 घंटे का टॉर्चर था वो। दिन हो गए मेरे को बाइक निकाले हुए, जस्ट कॉट मेरा एकदम दिमाग में आया कि 10-12 दिन हो गए हैं शायद मुझे निकाले हुए। तो आज थोड़ा बहुत काम भी था, तो मैंने सोचा बाइक निकालते हैं, बाइक पे काम करेंगे, या एक दो चीज़ें और थी मुझे इसका थोड़ा आइडलिंग जो RPM है वो करना था, इसको थोड़ा कम हो गया था, सो आई हैड टू गेट इट बैक ऑन लेवल। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यार, ये थोड़ी क्या बता, आपको ना बताओ, जैसे सबको पता है कि आप RPM अपने इंजन का कर सकते हो ऑल्टर एज़ पर योर ओन लाइकिंग, या कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, बढ़ाना हो, कम करना हो, पहाड़ों पे जाना है तो उसी तरह से आप Z900 में भी कर सकते हो रोटेटर, जिससे आप इसको क्लॉकवाइज करोगे तो RPM आपका बढ़ता जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो RPM डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स अबाउट इट यार, सो एक बारी बाइक पे बैठते हैं, निकलते हैं। ऑल्सो इन द मीन टाइम अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, लाल रंग का बटन आ रहा है सब्सक्राइब करो, आप सीधा मिलते हैं GoPro पे। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था मैं घर आ गया हूँ अभी यार, बहुत गर्मी हो रही थी इनफैक्ट, एंड हालत आप देख सकते हो। बट मज़ा आ गया क्योंकि जो चीज़ मैं लेने गया था मिल गया है मुझे, एंड अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या लेके आया हूँ, मैंने इसका काम क्या है। तो गाइस मैं अब आपको बताता हूँ मैं क्या लेके आया हूँ। मैं सबसे पहली चीज़ आपको दिखाऊँ, बट उससे पहले ह्यूज शाउट आउट टू गगन मिगलानी फ्रॉम बॉस ग्रुप यार, ही हैज़ बीन सपोर्टिंग मी अ लॉट। अभी उन्होंने ये चीज़ मुझे रेकमेंड की थी, इसलिए मैं खास कर गया, वीडियो मैंने बनाई आपको, मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। उससे पहले मैं उनका इंस्टाग्राम आईडी डाल देता हूँ स्क्रीन पे, गो शो हिम सम लव। ही हैज जस्ट बॉट अ ब्रांड न्यू 10R रिसेंटली। तो मैं क्या लेके आया हूँ, पहली चीज़ मैं लेके आया हूँ पुतुलिन का जो चेन क्लीन है, बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ थे। जितने भी सुपर बाइक ओनर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, सब ने बोला है कि अगर आपके पास कुछ भी पड़ा है अभी फेंक दो उसे। मोतुल का है मेरे पास, जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, C1 C2 पड़ा है मेरे पास क्लीन एंड लूप, तो इट्स बेसिकली रेंडर्ड यूजलेस अगर आप ऐसी बाइक चला रहे हो तो, इट्स ऑफ नो पॉइंट यूजिंग दैट। इसलिए गगन मिगलानी ने मेरे को रेकमेंड किया था कि पुतुलिन का लो, उन्होंने भी लिया था, तो ही सेंड मी अ फोटो, तो मैं ये खरीद के लाऊँ। ये मुझे पड़ा है 899 रुपीज़ का, एंड ये काफ़ी सारे मेरे को देगा शायद क्लीनिंग सेशंस, क्योंकि ये सिर्फ ल्यूब है, तो ये कम से कम मेरे को लगता तो है कि 10-12 बारी ल्यूब करेगा इन जस्ट 899 रुपीज़। प्लस इतने अमेजिंग रिव्यूज़ हैं कि मक नहीं होता है ना, इतना स्प्रेड आउट होता है, स्प्लैटर होता है, एंड इट स्टिक्स टू द चेन रादर देन इधर उधर छीटे मारना सब कुछ करना। प्लस इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो आपके चेन रहेगी एंड आपके जो स्प्रॉकेट के टीथ रहेंगे सबकी लाइफ भी इन्हांस होगी। सो आई थॉट इट मेड अ गुड पॉइंट टू इन्वेस्ट इन दिस, इसलिए मैं लेके आया हूँ। दिस इज द पुतुलिन टेक चेन और वट एवर चेन ल्यूब। एक चीज़ मैं और लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी बार हम लोगों को टाइम नहीं होता, जैसे अभी बाइक ऐसी खड़ी थी, मेरे को वीडियो बनाना था, मेरे को बाइक निकालनी थी, बाइक अभी साफ़ नहीं है, तो अब क्या करोगे आप, या तो ट्यूब लेके बैठो या फिर आप पानी बाल्टी में लाओ करो, आपको एक घंटा आधा घंटा चाहिए अगर इतनी बड़ी बाइक आपको साफ़ करनी है ढंग से, उसके बाद आप वैक्स करो, पॉलिश करो। तो एक चीज़ मेरे को रेकमेंड करी वहाँ पे, मैं स्पीड मंक्स किया था जैसे आपको दिखाया, तो उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया, ये है मिराकल वॉश बाय AmSoil। मैं देख लेता हूँ ये बना कहाँ पे, दिस इज़ अगेन मेड इन द US, मेड फॉर बाइक्स लाइक दीज, एंड ये मुझे पड़ा है 850 रुपये का। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक सेकंड मैं इसको खोल लूँ यार ब्रांड। आपको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू स्प्रे इट ऑन एनी पैनल दैट यू वांट टू क्लीन। जैसे आप देख सकते हो मेरा फ्रंट मडगार्ड, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी बाइक का मडगार्ड कितना गंदा है, इसमें पानी के छींटे पड़े हुए हैं, बहुत टाइम हो गया यार इसे भी धोए हुए,
तो अभी मैं धोऊंगा इसे, बट एक बार मैं जो लाया हूँ आपको करके भी दिखा दूँ क्या चीज़ लाया हूँ। मैंने भी नहीं देखी अभी तक, उनके रिकमेंडेशन पे ली है। सो जस्ट स्प्रे इट ऑन, जैसे मुझे मडगार्ड साफ़ करना है यहाँ पे, एंड माइक्रोफाइबर क्लॉथ या ग्लव जो भी आपके पास पड़ा है आप उससे इसको पोंछ दो बस। ज़्यादा करती है मुझे लगता है मैंने, तो अब आप आगे से आगे देख सकते हो इसमें एक्चुअली मिरर फिनिश आ गई है, जैसे वैक्स एंड पॉलिश, पॉलिश एंड वैक्स किया हुआ है इसे। एंड मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का जो पोर्शन है अभी भी गंदा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे सारे वो पानी के निशान जो पड़े हुए थे। एंड आगे आप देखो मिरर पूरी फिनिश आ रही है, सो स्टार्क डिफरेंस है यार। यहाँ पे मैंने ये 2 सेकेंड लगे मुझे इसे साफ़ करने में, यानी पीछे भी गंदा है। तो आई थिंक व्हेनेवर यू ऑन द गो आपको जल्दी है, बाइक अगर साफ़ नहीं करने का टाइम है आपके पास, बस स्प्रे किया आपने मेजर पैनल्स पे, कपड़ा मारा, सुखाया उसे, एंड दैट्स इट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, फिनिश बहुत मस्त आ रही है इस पर, आप देखोगे ना। सो एक्चुअली आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो, कैमरा देख सकते हो यहाँ पे, सो दिस डज मेक सेंस। तो यही था यार मेरे को वीडियो में, मेरे को कुछ लेने जाना था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं। तो अगर आपको पसंद आया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, लाल रंग का बटन आ रहा है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो यार, एंड लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पसंद आती डिसलाइक द वीडियो, पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दो, बट कुछ आप करोगे तो मुझे अप्रिसिएशन या सपोर्ट मिलता है एक तरह की। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं दे एक्चुअली गिविंग रियल टाइम फीडबैक टू मी कि कुछ अच्छा था या कुछ बुरा था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन डिफरेंट वीडियो। बाय।